आप सभी का स्वागत है खूबसूरत मैक्लोडगंज में। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आ गए हैं मैक्लोडगंज में। आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है। कल जैसे हमारी सुबह की शुरुआत बुरी हुई थी, वैसी ही हमारी रात भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। हमने जिस होटल में बुकिंग करवाई थी वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी, और लगभग हमको फिर वहाँ से उस जगह से निकलने में हमको 1.5 घंटा निकल गया था। तो हम लोग 11:30 बजे मैक्लोडगंज पहुँच गए थे, लेकिन हमको दूसरा होटल मिला रात को 1 बजे। तो लेकिन आज की हमारी जो सुबह है वो एकदम प्रॉपर है, परफेक्ट है। खूबसूरत दिन है, अच्छी रोशनी है। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा लोकल मार्केट होते हुए बागसू फॉल की तरफ जाएंगे। टाइम कम है तो आज के दिन में जितना हम लोग कवर कर सकते हैं उतना कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हमारे घरों की तरफ निकल जाएंगे। तो कुल मिला के मेरी जर्नी का ये जो है ये लास्ट दिन है हम लोगों का, और इसके बाद हम लोगों को दोबारा कब जर्नी करने के लिए मिलेगी वो ऊपर वाला बताएगा, या फिर आप लोग अगर इस हमारी सीरीज़ को पसंद करोगे तो हम लोग ज़रूर वापस घूमने के लिए निकलेंगे। कहलाल जी, कैसी रही आपकी यात्रा? हमारी यात्रा अच्छी रही कुल मिला के। ऊपर नाम के व्यक्ति है वो हमें बहुत परेशान करते हैं ये हमारे मनोज जी पंडित जी दोस्त हैं, इनके कारण हमारा सफर अच्छा, बहुत अच्छा रहा, पर कभी कभी परेशानी भी होती रही ऐसे। बता भगवत, तू पंडित जी के बारे में बता। भैया पंडित जी हमारे हमेशा से आदरणीय रहे हैं, इनको उठाने के लिए ठंडे हाथों की आवश्यकता होती है। बेसिकली खाने के टाइम अपने आप आके खुल जाती है। ठंडे हाथ कैसे लगाते हैं? ठंडे हाथ सर मैं बताता हूँ, पकड़िए इनको, पकड़ के नीचे से ऐसे हाथ डाल के भाई जी थोड़ा आते टाइम देख लिया मंगला। अभी हमारी ये मैक्लोडगंज के लोकल मार्केट से हम लोग पार करके बागसू मंदिर और फिर उससे आगे बागसू वाटरफॉल की तरफ जाएंगे। कोविड के कारण भीड़ बहुत कम है, मार्केट भी लगभग आधा बंद है। पता नहीं अब ये स्थिति कब सुधरेगी, लेकिन जैसे स्थिति सुधरे सारे पर्यटकों को यहाँ पे आना चाहिए। यह है प्राचीन बागसू नाग मंदिर। मैक्लोडगंज में स्थित बागसू मंदिर का निर्माण 1770 में राजा बागसू ने करवाया था। नाग देवता से हुई लड़ाई से मिली हार के बाद राजा बागसू ने यह भगवान शिव को समर्पित इस बागसू मंदिर का निर्माण करवाया था। हिंदू धर्म में हिंदू और गोर का समुदाय के लोग इस मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा मान्यताएं रखते हैं। अब बागसू नाग झरने के लिए हमारी यात्रा शुरू होती है। छोटा सा ट्रैक है वो सामने आपको दिख रहा होगा, झरने में पानी बहुत कम है, लेकिन वहाँ से दृश्य मेरे हिसाब से बहुत सुंदर दिखाई देंगे। शायद बागसू वाटरफॉल का रास्ता ऐसा किसी ने नहीं चुना होगा। बागसू वाटरफॉल के पास से जो नीचे नदी जाती है वहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट की हाइक करने के बाद लगभग बागसू नाग वाटरफॉल हमसे कुछ ही मीटर की ऊंचाई पे है।
10 से 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। झरने का बहाव भी उतना तेज नहीं है, लेकिन यहाँ से जो दृश्य दिखाई दे रहा है और ये हाइकिंग का जो मज़ा लिया है, ये मेमोरेबल है हमारे लिए। अगर बारिश का मौसम नहीं हो और सर्दियों के मौसम में आप ये हाइक कर सकते हैं। बाकी एक यहाँ पे वो रैंप और सीढ़ियाँ भी बनी है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप वहाँ से भी बागसू नाग का पकड़ सकते हैं रास्ता। ज़्यादातर लोग उसी रास्ते से आना पसंद करते हैं, लेकिन हमको कुछ एक एडवेंचर करना था और लगभग हमारी जर्नी भी एडवेंचरस ही रही है, तो हमने ये वाला ट्रैक पकड़ा। बाकी आप अगर ये हाइक करना चाहते हो तो ये ध्यान रखो कि पानी नहीं हो, अगर पानी होगा तो फिर आपको ये हाइक नहीं करनी है, क्योंकि ये पानी का बहाव यहाँ पे बारिश के मौसम में बहुत तेज़ होता है। फाइनली लगभग एक घंटे के बाद हम लोग बागसू नाग वाटरफॉल पर पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बारिश का मौसम नहीं है इसलिए पानी कम है, लेकिन वास्तव में देखने लायक जगह है। लगभग हमारी जर्नी समाप्त होने को है, किसी को ये पहाड़ छोड़ के जाने की इच्छा नहीं है। अभी यहाँ पे बैठ के कुछ यहाँ की फीलिंग्स है, पॉजिटिव वाइब्स है, वो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी, और कुछ देर के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रियुंड का ट्रेक करने की इच्छा थी, लेकिन समय बहुत कम है, 3 से 4 घंटे का है, फिर वहाँ पर कैंपिंग करते, सुबह का सनराइज़ देखते, फिर वापस नीचे आते, लेकिन लैक ऑफ टाइम हमें यहाँ से निकलना होगा। तो अब हम लोग अपने यात्रा के आखिरी पड़ाव में पहुँच गए हैं। ये है धर्म मैक्लोडगंज से लगभग 1 किलोमीटर पहले आता है सेंट जॉन इन द वाइल्ड विल्डरनेस चर्च। 1852 में कॉलोनियल काल में इसका अंग्रेज अधिकारियों ने इस चर्च का निर्माण करवाया था, और 1905 में जो हिमाचल के अंदर भूकंप आया था उस वक्त इस चर्च का जो बेल टावर है वो टूट गया था। यहाँ पे कुछ कब्रें भी बनी हुई है पुरानी, तो यहाँ पे बारिश के मौसम में और स्नोफॉल के समय खूब सारे लोग देखने के लिए इसको आते रहते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लगता, हाईवे ऑन रोड ही है, तो आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर आके कुछ समय, आधा घंटा एक घंटा यहाँ पर आप निकालो, बड़ा शांत माहौल रहता है। यह है हमारा आखिरी डेस्टिनेशन सेंट जॉन इन द विल्डरनेस। देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित ये चर्च कॉलोनियल काल में बना हुआ ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बहुत खूबसूरत नमूना माना जाता है। कॉलोनियल काल के समय जिन ब्रिटिश अधिकारियों की पत्नी या जिन ब्रिटिश अधिकारियों की मौतें हुई थी, उन सभी की यहाँ पे कब्रें बनाई हुई है, और अब ये इनकी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है, काई जम चुकी है, लेकिन फिर भी लोग इनको देखने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो यही थी हमारी पहली YouTube जर्नी, हमने लगभग 2 स्टेट कवर करे, और अब हम लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को ये हमारे बनाए गए सभी वीडियो पसंद आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ, तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।